शान शहनशाह द मोस्ट रेस्पेक्टेड सर। माने आओ भाग्य माने कि इतने दिनों के बाद आपका दीदार हुआ और इस दीदार पर मैं ये कहते हुए माइक्रोफोन आपके हवाले करता हूं सर कि सारे लोगों को एक जगह समेट ले सर, रखते हैं मोहब्बत की वो चादर, मोहब्बत की वो चादर, इसीलिए तो हम लोग सर को कहते हैं हमारे गॉड फादर, हमारे जोर से हमारे हमारे दीप बहन जी चंदन साहब। थैंक यू सर, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, जय 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 महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उसका सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं, जानता हूं, यह है कि दोस्तों इंडिया का सबसे बड़ा करोड़पति या इंडिया का नंबर वन पैसे वाला या सबसे ज्यादा मालदार पार्टी प्रवीण चंदन नहीं है, लेकिन आज इंडिया का जो नंबर वन करोड़पति या नंबर वन इंडस्ट्रियलिस्ट या नंबर वन रैंकिंग में पैसा वाला, उसको भी वो सम्मान नहीं मिलता है, वो सम्मान प्रवीण चंदन को मिलता है। उसके लिए खुदा का शुक्रिया। दोस्तों मेरे को खुशी या भगवान से प्राप्त हुई एक वरदान यह है, मैं पूरे इंडिया में किधर भी जाऊं मेरे को आपके जैसे सारे लोगों का प्यार मिला है, उससे बड़ी खुशी मेरे को नहीं लगता मेरी लाइफ में और कुछ हो सकता है दोस्तों। सो हमेशा खुदा को पहले शुक्रिया अदा करता हूं, उसके बाद इधर आए हुए हमारे रॉयल डायमंड दयाल जी से लेके हमारे डायमंड सुरंजन जी जो ना आए, बुजू जी, रूपम जी, इधर आए हुए सारे डायमंड्स, आईटीसीस, सीटीसीस, एनटीसीस और इधर आए हुए सारे लोगों को प्रवीण चंदन अपने मन से आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों मेरे को मालूम है आज बहुत से लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। मेरे को मालूम है आप अपनी लाइफ में बहुत ही लंबा सफर लेके आए हैं। आपके सबके चेहरे में मेरे को स्माइल दिखाई दे रही है। ये भी मालूम है आपके अंदर इश्यूज़, प्रॉब्लम्स भी हैं। दोस्तों इतना समझ लो आपके जो इश्यूज़, प्रॉब्लम्स से बल्कि माय लाइफ मैनेजमेंट है। प्रवीण चंदन आपके साथ खड़ा है और मेरा वादा है इस स्टेज से कि आपके लाइफ में जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रवीण चंदन और इधर के बैठे हुए सारे अपलाइन लीडर्स मिलके आपके इश्यूज, प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करके आपको एक बड़ा स्माइल दिला के ही इस दुनिया से हम लोग जाएंगे। दोस्तों आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? दोस्तों आज आपका कीमती एक घंटा या आधा घंटा या अभी से जो जब तक मेरी स्पीच समाप्त हुई इतना तक आप आपकी लाइफ का मूल्यबल टाइम
प्रवीण चंदन को दीजिए। आप अपने घर पे जाके आज की तारीख नोट कीजिए और आने वाले कल पे देखोगे आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव दिखेगा, ये मेरा वादा है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको करना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। कैसे? आप सब MI लाइफस्टाइल को जानते हैं सर? दोस्तों हम सब ने देखा है लास्ट 3 साल में, कोविड के पहले कोविड भी था, लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन भी खुला, अभी आने वाले कल में वापस बोलते हैं कि लॉकडाउन आ सकता है सर, कोविड आ सकता है सर। इस टाइम पे हमने क्या एक्सपीरियंस किया? बहुत से लोगों का धंधा मंदा हो गया, सही है गलत है? बहुत से लोगों की नौकरी छूट गई, बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत से लोगों ने फेस किए हैं। दोस्तों आपने और मैंने देखा है बहुत से लोगों की इनकम में भी इश्यूज था, लेकिन MI लाइफस्टाइल कभी बंद नहीं था, बंद नहीं हुआ। हमारे सारे जो टॉप अचीवर्स लीडर्स उन सबके घर पे इनकम आया था नहीं आया था दोस्तों? दोस्तों उसी टाइम पे मैंने एक विचार किया, अगर समझ लो ये सब भगवान की एक परीक्षा थी, ठीक ही नहीं सर? उस परीक्षा में आदमी अंदर पिंजरे में था, जो पिंजरे में थी वो बाहर खुली हवा में उड़ रहे थे, am I right or wrong? अगर आदमी पिंजरे के अंदर बैठ जाए, घर के अंदर बैठे कैसा लगेगा सर? हाँ सर, अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे? इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि समझ लो कल हम सब का दुकान बंद हो जाता है, बिजनेस ही ट्रेडिशनल बिजनेस जॉब ये सब रेस्ट्रिक्ट हो जाए, फिर आप कैसे डेवलप करोगे अपना बिजनेस, कैसे अपनी जिंदगी डेवलप करोगे, कैसे अपना कमिटमेंट फुलफिल करोगे? ये सोच मेरे को आई थी, ये सोच जब आई थी तब हमने चालू किया था MIDG, राइट? और इस सोच में मैंने सोचा अगर कल सब कुछ बंद हो, अमेरिका चालू है, लंदन चालू है, बांग्लादेश चालू है, थाईलैंड चालू है, मलेशिया चालू है, अगर उधर चालू और इंडिया में लॉकडाउन है तो फिर क्या करेंगे? दोस्तों उस टाइम पे मैंने सोचा मेरे को मेरे दोस्त वासी मेरे MI लाइफस्टाइल के लोग बहुत 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 पसंद हैं। इन लोगों के घर पे चूल्हा चलना चाहिए, इन लोगों को इनकम आनी चाहिए। उसके लिए मैंने सोचा कुछ भी हो जाओ कल हमारे लोगों को इनकम लाना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड पे ये लोग एक्सपर्ट होना चाहिए बिजनेस में, am I right or wrong? ये एक्सपर्ट होने के लिए ही मैंने MI डिजिटल MI लाइफस्टाइल में MI डिजिटल में हमने चंद चीजें ऐड की। MI डिजिटल पहले था लेकिन हमने चंद चीजें ऐसी चीजें ऐड की। दोस्तों 3 लाख की चीज आपको 11,000 में मिल रही है। एक पत्थर को खोज के आपको पत्थर को लाना है, हम उस पत्थर को हीरा बनाएंगे। दैट इज व्हाट इज MI लाइफस्टाइल, MI डीजी एंड MI लाइफस्टाइल। पत्थर को आप ला सकते हैं? Yes. आप ला सकते हैं? Yes. दोस्तों मैंने प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है, इधर बैठे हुए पहले 5 रोज सबको हमने पत्थर से हीरा बनाया दोस्तों। और आने वाले कल में इधर जितने बैठे हैं आप सबको आपकी जिंदगी में जो भी ड्रीम्स रहेगा, प्रवीण चंदन स्टेज से बोलता है हम सब मिलके MIDG के द्वारा आपका पूरा ड्रीम्स हम लोग फुलफिल करेंगे दोस्तों। बस एक्साइटमेंट अपने अंदर भर के रखो, एक्साइटमेंट भर के रखो। इधर बैठा हुआ लास्ट बेंच का आदमी भी इधर अचीवर बन सकता है अगर उसके अंदर एक्साइटमेंट, अगर उसके अंदर ये जोश है कि सर मैं अचीवर बनूंगा, मैं मेरे लिए मेरे परिवार के लिए
मेरे फैमिली के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए मैं प्रवीण चंदन को और एमआई लाइफस्टाइल के टॉप मैनेजमेंट को बताऊंगा कि सर मैं भी थाईलैंड अचीवर बन सकता हूं। है कि नहीं सर? है कि नहीं? दोस्तों हर चीज पॉसिबल है। दोस्तों कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, दोस्तों मैं एक चीज समझता हूं, भगवान ने आपको भी भेजा है, मेरे को भी भेजा है। किसके लिए सर? कोई तो पर्पस होगा। आज भगवान ने आपको भेजा है, मेरे को भेजा है, हमको ऐसी जिंदगी नहीं दी कि जिधर हम कोई गलत काम करके जेल में बैठे। है कि नहीं सर? भगवान ने एक पर्पस के लिए आपको और मेरे को भेजा है। क्या पर्पस है? मैं तो ये समझता हूं, मेरा पर्पस ये है, इधर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इंडिया में जितने भी लोग हैं जो समझते हैं कि हम जॉब नहीं, हमारे जॉब में हमको इनकम सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमको एडिशनल इनकम चाहिए, हमको एडिशनल बिजनेस चाहिए, दोस्तों मैं समझता हूँ मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, भगवान ने मेरे को इस धरती में भेजने का एक पर्पस ये है, इंडिया में जितने लोग तकलीफ में है उन सब लोगों को लाइफ में ऊपर लेके आने का मेरे को काम दिया गया है। दोस्तों मैं स्ट्रांगली फील करता हूं मेरा पर्पस ये है। दोस्तों मैं ये नहीं जानता हूं धर्म क्या होता है, मैं ये नहीं जानता हूं पाप क्या होता है, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, अगर आपके घर पे, आपके घर पे, आपके घर पे चूल्हा जलता है, बराबर ना लेके गया सोने का बिस्किट 100, 500, 1000 पॉकेट में डाल के लेके गया? हाँ सर, कुछ भी नहीं, नहीं। तो राकेश झुंझुनू वाला जी अपने साथ क्या लेके गए? भाई, हाँ भाई, डायमंड, घड़ी, कुछ नहीं, जूते, कपड़ा, जो पहना हुआ था वो कपड़ा नहीं। दोस्तों सारी चीज इधर ही रह जाएगी, एक ही एक चीज आपके साथ, मेरे साथ, राकेश झुनझुनवाला के साथ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा करोड़पति के साथ भी आने वाला है, वो नथिंग बट दुआएं। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो आप मेरे को अच्छा दुआ दोगे, वो रुआ दुआ ऊपर की भगवान की बैलेंस शीट में आएगा। प्रवीण चंदन, प्रवीण चंदन 50,000 लोगों को, 50,00,000 लोगों को करोड़पति बनाया, वेरी गुड टिक। 10,000 लोगों को ये कॉन्टेस्ट में थाईलैंड अचीवर बनाया, ओके गुड। वेस्ट बंगाल से प्रवीण चंदन ने 1,500 लोगों को थाईलैंड लेके गया, ओके गुड। दोस्तों इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति का बैलेंस शीट बनेगा। सर आपके पास, या आप क्या समझते हो प्रवीण चंदन के पास कितना पैसा होगा? करोड़? दो? भाई मुंह से बोलो तो, ये मांगने वाला नहीं हूं। सर आप बोलिए सर कितना? 2,000 करोड़। सर आप बोलिए पीछे, मैडम आप बोलिए, जो आता है बोलो, मैं कोई चार्ज नहीं करता इसके लिए। हाँ मैडम बोलिए बोलिए, 10,000 करोड़। और कोई भाई? अनलिमिटेड रुपया सर, अनलिमिटेड नहीं भाई, हिसाब होता है, मारवाड़ी है भाई, मारवाड़ी आदमी रुपया रुपये का हिसाब रहता है। 60 करोड़, बहुत कम है यार मेरा एस्टीमेट। 1,00,000 करोड़, अरे भाई ये तो मेरे अंबानी के रेंज में लेके गया भाई। हाँ मैम, 10,000 करोड़। बैठे 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 बैठे, मेरा दिल बड़ा है, वेरी गुड। 200 साल हुआ है, वेरी गुड। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज समझता हूँ, आदमी अगर 100 करोड़ कमा लेना, 100 करोड़, उसके बाद पीछे कितना भी जीरो डाल दो, बराबर। राकेश झुंझुनू वाला 41,000 करोड़ एक रुपया लेके नहीं गया, बराबर। अब मैं क्या लेके जाऊंगा?
मेरे लिए क्या भगवान अलग गाड़ी भेजने वाला है क्या? नहीं ना, सब कुछ इधर रख के जाना है। दोस्तों मैं आज एक ही चीज सोच लिया, मेरे को कमाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ आ गया बिजनेस में, वो खुद कमाएगा, वो खुद भागेगा। सही है गलत है? सही है गलत है? आपने देखा नहीं देखा? हाँ, मेरी बेटी के लिए मैंने थोड़ा माल इकट्ठा करके रखा है, नो डाउट, बराबर। हाँ, MIDG जो है वो मेरी बेटी ही इसमें इंचार्ज है दोस्तों। अभी उसने बोला पापा मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं मैनेज कर लूंगी। बेटा बोलता है पापा आप बैठो मैं कमा के देता हूँ। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, वो बोलती है यार तुम लोग को जो करना है करो। दोस्तों सोच के देखो तो मेरा ड्रीम, मेरा विजन, मैं क्यों भाग रहा हूं? माला लेके बैठ सकता हूं, भजन कर सकता हूं, सही है गलत है? लेकिन मैं स्टेज पे क्यों आता हूं, क्यों बात करता हूं? मैडम आपने बोला 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का आज भी ऊपर आता है क्या स्टेज पे? दोस्तों मेरे पास एक ही एक चीज है, मैं जानता हूं मेरे जितने लोग, जितने भाई, फैमिली, MI लाइफस्टाइल नथिंग बट माई फैमिली, इन सब लोगों का ड्रीम्स, आप लोगों का ड्रीम फॉरेन जाना है चलो मैं लेके जाऊंगा, आपका ड्रीम महीने का 1,00,000 कमाना है चलो मैं कमाने रखूंगा, आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल करने की ताकत भगवान ने मेरे को दी है, भगवान ने मेरे को इधर भेजा है, इस धरती पे भेजा है आप लोगों का ड्रीम फुलफिल करने, बस वही मेरी कमाई है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं चाहिए भाई। सोने की थाली में खा सकता हूं, सोना नहीं खा सकता। सही है गलत है? हीरा पहन सकता हूं, खा नहीं सकता। दोस्तों का विश्वास जीत सकता हूं, इनकार इकरार नहीं कर सकता दोस्तों। सही है गलत है? दोस्तों सिंपल, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मेरी लाइफ का एक ही पर्पस है, वो पर्पस ये है कि इधर दिल से मन से जो भी आदमी, निखिल चंदन जी ने बताया 3 साल आपकी जिंदगी का हमको दो, राजेश जी ने बताया 6 महीना MIDG के लिए दो, बोला नहीं बोला सर? yes, मैं बोलता हूं 3 साल दिल से मन से बराबर आप MI लाइफस्टाइल के साथ रहो, MIDG के साथ रहो, प्रवीण चंदन का वादा है आपकी आपकी मंजिल के पहुंचाए बिना मैं इस दुनिया छोड़ के नहीं जाने वाला था। इतना समझो आपकी जो ट्रेन है वो सक्सेस की ट्रेन है, उस ट्रेन का इंजन ड्राइवर प्रवीण चंदन है, टिकट लेके कंपार्टमेंट में बैठिए, हमारे सारे लीडर्स DT बनके आपके साथ खड़े हैं और हमारा वादा है हम आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाएंगे दोस्तों, पक्का 100% पहुंचाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रवीण चंदन्स विजन? दोस्तों मेरा विजन ये है कि अपनी कंपनी $1 बिलियन कंपनी बननी चाहिए। $1 बिलियन कंपनी जब बनेगी तो 1 मिलियन लोगों को मैं मिलियनर बनाऊंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। दोस्तों आज आप मेरे को मालूम नहीं कितना जानते हैं लेकिन फिर भी बताता हूं, हमारे लोग सारे लोग आपको बताए MI क्या है, MIDG क्या है, थाईलैंड क्या है, प्रमोशन क्या है, थाईलैंड के जलसे मजे सब कुछ बताया बराबर। दोस्तों आपको एक चीज बता देता हूं, MIDG जो प्रोडक्ट है, MIDG प्रोडक्ट है आज ये पूरा वर्ल्ड में सिंगल मोनोपोली प्रोडक्ट है जो सिर्फ MI प्रमोट करता है, पूरा अपना कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। वी आर दी ओनली कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड, ये प्रोडक्ट अपना मोनोपोली प्रोडक्ट है। और प्रवीण चंदन की सोच ऐसी रहती है कि अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर आए तो उसको भी कम से कम 3 साल लगेंगे उसको ये प्रोडक्ट बनाने के लिए दोस्तों। दोस्तों ये क्यों, ये प्रोडक्ट क्यों मोनोपोली है, क्यों आज दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं ला सकता है? दोस्तों राजेश जी ने आपको बताया था कि 80 साल का एक्सपीरियंस,
इसमें नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स का है, नेटवर्क मार्केटिंग का गुरु का है। दोस्तों मेरा यही पॉइंट है कि वर्ल्ड का मोनोपोली प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के द्वारा मेरा ड्रीम हमेशा यह रहा है कि पूरा वर्ल्ड में बिजनेस करना है। दोस्तों आप घूमने जाना है तो फॉरेन जाओ। सुरंजन जी, जब मैं अभी अंदर बैठा था तब मेरे को सुरंजन ने बताया, सर मेरा विचार है किधर फैमिली के साथ बाहर जाओ। मैं बोला ऑस्ट्रेलिया जा। किधर? ऑस्ट्रेलिया जा। तो उन्होंने इमीडिएटली प्लान बनाया मार्च में या अप्रैल में फैमिली के साथ 15 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। दोस्तों बिजनेस की ताकत यह है, ये बिजनेस की ताकत यह है, आप सबको एक ही काम करना है। अगर एक पेड़ को उगाना है तो पेड़ का बीज जो होता है ना, बीज फाउंडेशन बोलते हैं, बीज बीज लगाइए। इनिशियली आप उस पर पानी डालिए, हम लोग हैं बरसात डालने के लिए, और उस छोटा प्लांट को, उस छोटा प्लांट को बहुत बड़ा बैनियन ट्री बना के देना, ये हमारा काम है दोस्तों। ये हमारा काम है कि उसको बहुत बड़ा बैनियन ट्री बना के देना। उस प्लांट में अगर कोई विदाउट पेस्टिसाइड्स बहुत सी ऐसी चीजें डाल के फल ज्यादा उगे, उसके लिए हमने बनाया है ये प्लेटफॉर्म कॉल्ड MIDG। दोस्तों कंपनी स्ट्रांग, पे आउट इज स्ट्रांग, मैनेजमेंट इज स्ट्रांग, फिर भी थोड़े लोगों को लगता है कि सर और थोड़ा मैं कर सकता हूं क्या हा? और अभी बोला सर और थोड़ा। दोस्तों आप सबको एक चीज बताता हूं, कई लोग है इधर एक महीना पहले बिजनेस स्टार्ट किए हुए। कौन है सर कोई इधर एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना, चार महीना, छह महीना पहले स्टार्ट किया हुआ? चार महीना छह महीना पहले हाथ नीचा कीजिए सर। थैंक यू। मैं सिर्फ इसके लिए बता रहा हूं, छह महीने पहले जब ज्वाइन किए आपको कॉन्टेस्ट था। लास्ट वीक अनाउंस हुआ राइट? ये कैसे लास्ट वीक अनाउंस हुआ? आपको क्या लगता है MI लाइफस्टाइल में पैसा ज्यादा है उसके लिए कॉन्टेस्ट अनाउंस हुआ है, या कंपनी को ज्यादा टर्नओवर चाहिए उसके लिए अनाउंस हुआ है? दोस्तों एक सिंपल पॉइंट समझ लीजिए, आज अगर कॉन्टेस्ट हम लेके आए हैं तो उसका एक कारण हम आपको आपकी लाइफ में ऊपर लाना चाहते हैं, वही कारण है। जो चार महीना पहले, छह महीना पहले, दो महीना पहले ऐसे धीरे 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 वीकली इनकम, मंथली इनकम करके धीरे धीरे चल के जा रहे थे, उन लोगों को उनकी जो साइकिल है ना, धीरे धीरे लेफ्ट में एक, राइट में एक, लेफ्ट में एक, राइट में एक, वीकली जो साइकिल चलती है ना, कैसे है साइकिल, कैसे चलती है? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऐसे जो धीरे धीरे आप साइकिल चलाते चलाते हर हफ्ते का 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 इनकम पहुंचने के लिए आप साइकिल चलाते, राइट और रॉन्ग? दोस्तों हमने क्या कर दी, एक मोटर हायर कर दी। कौन सी मोटर? कॉन्टेस्ट करके। और हम सब लोग आ गए आपकी मोटरसाइकिल को फास्ट भगाने के लिए, और इतनी फास्ट भगाने के लिए आ गए कि आप आने वाले 3 से 4 महीने में जो सीलिंग है वो सीलिंग टच कर सको। दोस्तों यही कारण है कंपनी ने आज लेके आए। माय डियर फ्रेंड्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंपनी के पास कोई एडिशनल फंड्स नहीं, सिर्फ एक ही एक है कि आप सबको भाली थाईलैंड। बिकॉज मैं जानता हूं कई लोग हैं जो आज दिन तक, जैसे जब हमारे एक लीडर ने बोला कितने लोगों ने पासपोर्ट नहीं बनाया, मैंने देखा बहुत से लोगों ने हाथ ऊंचा किया, नहीं बनाए। मैं ये पूछना चाहूंगा कितने लोग इधर बैठे हैं जो आज दिन तक फ्लाइट में नहीं बैठे, आज दिन तक कितने लोग हैं जो फ्लाइट में नहीं बैठे, हाथ नीचे कीजिए दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप सब फ्लाइट में बैठना चाहोगे? आपका ड्रीम है, एक सबसे बड़ा ड्रीम नहीं लेकिन एक छोटा ड्रीम है, राइट और रॉन्ग? दोस्तों रेगुलर जो बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो उसमें से आपको जाना आना बहुत मुश्किल है। दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक ही एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, आपका जो ड्रीम है फ्लाइट में बैठने का, सिर्फ आगे अगला 11 हफ्ता प्रवीण चंदन को
MI लाइफ को दिल से दीजिए, 100% फ्लाइट में जाने का अगले 2 महीने के अंदर वापस मैं इधर आऊंगा, यही कलकत्ता में आऊंगा। इधर जितने बैठे सारे लोग थाईलैंड अचीवर्स करके मेरे को स्टेज पे चाहिए, पॉसिबल है? दोस्तों हर आदमी को एक एक ड्रीम होना चाहिए। दोस्तों मेरा ड्रीम है कम से कम 10,000 लोगों को थाईलैंड लेके जाऊं। आज ये 10,000 लोगों को मैं लेके जाना चाहता हूं, कितने लोग रियली आना चाहोगे सर? दिल से बोले कितने लोग आना चाहोगे? वेरी गुड यार सब लोग। दोस्तों आप सबसे एक बात पूछूं, थाईलैंड कितने लोग जाना चाहते हो? राइट, आपका दिमाग ने बोला हाँ यार मेरे को जाना है, आपने क्या किया? हाथ ऊंचा किया। राइट, आप किसकी बात मानते हो? मन की मानते हो, दिल की मानते हो, या प्रवीण चंदन की मानते हो? मेरी मानते हो, लेकिन मैं बोल के आपके दिमाग में गया। दिमाग अगर रजिस्टर हो जाए तो ही काम होता है, सही और रॉन्ग। सब चीज के लिए माइंड, माइंड सेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझोगे कि मेरे को डायमंड बनना है तो ही आप डायमंड बनोगे, राइट और रॉन्ग? नहीं भाई मेरे को महीने का 10,000 काफी है, तो फिर 10,000 काफी है। अगर आपका माइंड में आप रजिस्टर कर दोगे कि मेरे को डायमंड बनना है तो बनोगे। अगर आप माइंड में रजिस्टर कर लोगे कि मैं फॉरेन ट्रिप अचीवर बनूंगा, मैं थाईलैंड अचीवर बनूंगा, तो होंगे, कर सकते हो। yes, दोस्तों अपने लिए ना तो भी, आपके अपलाइन के लिए या अपनी डाउनलाइन के लिए। दोस्तों मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, MI लाइफस्टाइल में पैसा कमाना मुश्किल है आसान है सर? आसान है। मुश्किल है आसान है? आसान है। सर लास्ट बेंच वाले बोलिए, आसान है या मुश्किल है? बहुत लोग मेरे को भी बोले, फिर बाद में ये 2-4 लोग साइड में, सर थोड़ा मुश्किल है सर, हम लोग है ना क्राउड में बोल नहीं सकते। मैं उन सबको एक ही चीज बोलता हूँ, एक सिंपल फंडा, एकदम सिंपल फंडा आप फॉलो करोगे। मैं ये 10 साल से बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, अपलाइन को पूछो कैसे है, अपलाइन को पूछो पैसा कैसे कमाने का है, अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ आई से, और बीच में कमाओ पैसे। अपलाइन को पूछो कैसे पैसा कैसे कमाना है, डाउनलाइन को बताओ पैसा ऐसे कमाना है, और बीच में कमाओ पैसे। पैसे इजी पॉसिबल? यस पॉसिबल। यस अभी हमने थोड़े लोग मन के अंदर, सर बोलना बहुत आसान है हमको, सर मैं स्टेज में जाके बात नहीं कर सकता, वो क्या है ना, वो लीडर बात कर सकता, मैं बात नहीं कर सकता सर, मेरे को शर्म आती है, मेरे को ईगो, किसी को जाके बोल भाई ये प्रोडक्ट लेना है, ईगो लगता है? लगता नहीं लगता सर? दोस्तों मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, अपने को अपनी जिंदगी में हीरो बनना है तो यार ये लाज समय ईगो छोड़ो यार। दोस्तों ये ईगो से, अगर ईगो ही होता तो मैं आज स्टेज पे नहीं आता। बस एक ही एक चीज है, मैंने मेरे लाइफ में एक ड्रीम लिया, वो ड्रीम के ऊपर फोकस किया। क्या फोकस? थाईलैंड अचीव करना है, थाईलैंड अचीव करना है, थाईलैंड अचीव किया करना है, और उसके बाद एक मिशन बनाया है थाईलैंड जाना है, उसके बाद हार्डवर्क किया, उसके बाद हैमरिंग। हैमरिंग किसको बोलते हैं? डेली। आज आपने MI समझा, सुना प्रवीण चंदन को, सुना सारे लीडर्स को, सुने इधर आप मोटिवेटेड है, घर जाओगे इतना तक मोटिवेशन है, कल कल की दुनिया कल के हिसाब से चलेगी, सही है गलत है सर? लेकिन यही दुनिया कल भी चाहिए तो आपको MI DG में रजिस्टर करना है, और एवरी डे 1 घंटा, तो 100% आप सारे लोग प्रवीण चंदन के साथ थाईलैंड क्वालिफाई हो सकता है। दोस्तों दोस्तों इधर बैठे हुए सबको मैंने पूछा कि आपका माइंड क्या कहता है, आपका माइंड ये कहा था बराबर, मैंने बोला आपके लिए नहीं, एटलीस्ट प्रवीण चंदन का जो कमिटमेंट है 10,000 लोगों को थाईलैंड लेके जाना है, उसमें कितने लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है? मैंने सोचा है पूरे इंडिया में 10,000 लोग मेरे साथ थाईलैंड आएंगे, इधर कितने लोग आने के लिए तैयार है सर? आप सब लोग प्रवीण चंदन को
ऐसे दोस्त मानते हो, गुरु मानते हो, भाई मानते हो, तो एक प्रॉमिस कर सकते हो सर? Yes! कर सकते हो? Yes! दिल पे हाथ रख के Yes! एक प्रॉमिस कीजिए, प्रवीण सर, प्रवीण सर, प्रवीण सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आपका जो ड्रीम है, आपका जो ड्रीम है, मेरा अपलाइन का जो ड्रीम है, मेरा अपलाइन का जो ड्रीम है, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो ड्रीम है, मेरा फैमिली का जो ड्रीम है, मेरा फैमिली का जो ड्रीम है, मैं एमआई लाइफस्टाइल के द्वारा, एमआई लाइफस्टाइल द्वारा पूरा करूंगा, पूरा करूंगा, आपके साथ, आपके साथ थाईलैंड आऊंगा, थाईलैंड आऊंगा, अपनी अपलाइन को, अपने अपलाइन को थाईलैंड लेके आऊंगा, लेके आऊंगा, डाउनलाइंस को थाईलैंड लेके आऊंगा, लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों। जाने से पहले सिर्फ एक चीज में माई लाइफ स्टाइल ये प्रवीण चंदन क्या आया करके बताना चाहता हूं। दोस्तों समझ लीजिए कि आप एक समुंदर में, एक नैया में जा रहे हो, बोट में जा रहे हो, समुंदर में अगर आंधी तूफान आ जाए, हो सकता है आपकी नैया डूब जाए, हो सकता है कि नहीं? समझ लो आप समुंदर में जा रहे हैं, नैया के अंदर बैठ के अगर आंधी तूफान भी आ जाए, लेकिन आपके साथ आपका भगवान बैठा है, तो नैया डूबेगी सर? नहीं डूबेगी। दोस्तों मेरा वादा है आप सबको, आपकी नैया बैठने वाला मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं, और मेरा वादा है इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति, पूरे भारत के हर एक व्यक्ति को मेरा वादा है कि एमआई लाइफस्टाइल या आपकी नैया को प्रवीण चंदन डूबने नहीं देगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले फ्यूचर में आप सब लोगों को लखपति और करोड़पति बनाए, और सारे लोगों को फॉरेन ट्रिप अचीवर्स बनाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।